नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन दिव्य प्रेस हॉस्पिटल से। हम अपने चैनल पेन फ्री लाइफ के माध्यम से डिस्कस करते हैं कॉमन बोन और जॉइंट प्रॉब्लम्स के बारे में। आज हम ऐसी ही कॉमन प्रॉब्लम ट्रिगर फिंगर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी उंगलियां चलाने वाली रस्सियों को टेंडन्स कहा जाता है। ये टेंडन्स लिगामेंट की सुरंग से पास होते हैं, जिन्हें हम पुलीज कहते हैं। अगर इन टेंडन्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो ये पुलीज के थ्रू पास नहीं हो पाते। उस जगह मरीज को दर्द होता है या फिर उंगलियां अटकने लग जाती हैं, जिसे हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। ऐसे लोग जिनको ट्रिगर फिंगर होता है, वो जब भी अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और उसे दोबारा खोलते हैं, तो उस फिंगर में उन्हें दर्द होता है या फिर वो फिंगर वहीं अटक जाती है, बाकी फिंगर्स खुल जाती हैं। उसे खोलने के लिए उन्हें दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ता है। ट्रिगर फिंगर एक से ज़्यादा फिंगर्स में भी हो सकता है। ये आम तौर पे डायबिटीज़ और गठिया के मरीजों में देखा जाता है। ट्रिगर फिंगर का ट्रीटमेंट आसान है। शुरुआत में कुछ दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी एडवाइज की जाती है। अगर मरीज को इनसे आराम नहीं लगता, तो परकुटेनियस रिलीज, मतलब एक सुई से उसे रिलीज कर दिया जाता है। ये हमारी एक पेशेंट है, मिसेस कमलेश। ये इसी परेशानी से जूझ रही हैं। ये जब भी अपनी मुट्ठी बंद करके खोलती हैं, तो एक उंगली अटक जाती है और वो झटके से खुलती है। इसके लिए हमने इन्हें परकुटेनियस रिलीज एडवाइस किया, जिस प्रोसीजर में हम हाथ के उस पार्ट को सुन करते हैं इंजेक्शन लगाकर। उसके बाद एक नीडल से उस पुली को रिलीज कर दिया जाता है जो टेंडन के ऊपर दबाव बना रहा होता है। पेशेंट को इस प्रोसीजर के बाद तुरंत रिलीफ मिल जाता है और वो अपनी मुट्ठी आराम से बंद कर सकती हैं और खोल सकती हैं। इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई परहेज करने की जरूरत नहीं होती और वो अपनी सारी एक्टिविटीज उसी दिन से रिज्यूम कर सकते हैं, मतलब सारे काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसी हेल्थ इन्फॉर्मेशन 2 या 3 मिनट में रेगुलरली चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।